इस्कॉन मुरादाबाद द्वारा 3 दिवसीय DYS जर्नी ऑफ सेल्फ डिस्कवरी आत्म साक्षात्कार की खोज कार्यक्रम IMA हॉल कचहरी परिसर में दिनांक 22, 23 व 24 मई को आयोजित किया जा रहा है। इस अवसर पर आज लाइव सेशन के पहले दिन कार्यक्रम का उद्घाटन डॉक्टर शिखा गुप्ता CL गुप्ता आई हॉस्पिटल डॉक्टर आशुतोष अग्रवाल आई केयर ने दीप प्रज्वलित करके किया। सेमिनार के प्रथम दिवस के कार्यक्रम का प्रारंभ हरिनाम संकीर्तन की सेवा सरन प्रिय दास वंशीधारी दास जी ने किया। ये कार्यक्रम 22, 23, 24 मई 2023 को 3 दिन चलेगा। प्रतिदिन 5 बजे से 7 बजे तक कार्यक्रम चलेगा। ये कार्यक्रम IMA हॉल कचहरी परिसर में आयोजित किया जा रहा है। इस कार्यक्रम में प्रवक्ता इस्कॉन मुरादाबाद केंद्र प्रबंधक उज्जवल सुंदर प्रभु जी रहे। कार्यक्रम के अंत में सभी सहभागियों को एक भक्ति योग किट उपहार स्वरूप प्रदान की जाएगी और प्रत्येक सहभागी को प्रमाण पत्र भी प्रदान किया जाएगा। प्रतिदिन कार्यक्रम में हरिनाम संकीर्तन भी किया जाएगा। कार्यक्रम की प्रस्तुति लाइव सेशन ये कंप्यूटर के द्वारा प्रस्तुत की जाएगी तथा कार्यक्रम में ड्रामा इत्यादि सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन तथा प्रतिदिन सभी प्रतिभागियों के लिए भोजन प्रसाद वितरण की भी व्यवस्था रहेगी। इस कार्यक्रम में जिन विषयों पर स्लाइड्स के माध्यम से विचार किया जाएगा उनमें से नंबर 1 आनंद की खोज, नंबर 2 क्या भगवान का अस्तित्व है, नंबर 3 मैं कौन हूँ, नंबर 4 भगवान एक है, 5 अच्छे लोगों के साथ बुरा क्यों होता है, नंबर 6 व्यवहारिक एवं पारिवारिक जीवन भगवद गीता के अनुसार किस प्रकार चलाए हैं। इन विषयों पर क्रमवार कंप्यूटर स्लाइड के माध्यम से प्रस्तुति दी जाएगी। इस कार्यक्रम का नाम द जर्नी ऑफ सेल्फ डिस्कवरी आत्म साक्षात्कार की खोज रखा गया है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य सनातन धर्म के ज्ञान का प्रचार सामान्य जनता में करना है। अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ इस्कॉन का उद्देश्य है कि सनातन धर्म के बारे में सभी जनता जागरूक हो और सनातन धर्म की विस्तृत आध्यात्मिक ज्ञान का लाभ उठाएं। आज कार्यक्रम के प्रथम दिन प्रारंभिक 2 विषयों आनंद की खोज तथा क्या भगवान का अस्तित्व है इस पर जानकारी दी गई। कार्यक्रम में बताया गया कि संसार में प्रत्येक व्यक्ति आनंद पाना चाहता है और उसके लिए अधिकतम प्रयास भी करता है, किंतु फिर भी इस संसार में जो आनंद प्राप्त होता है वह क्षणिक होता है और परिणाम में दुखदायी होता है, क्योंकि इस संसार में प्रत्येक व्यक्ति अपने आप को शरीर मानता है, जबकि वास्तव में हम शरीर नहीं अपितु शरीर के अंदर स्थित एक आत्मा है जो परम भगवान श्री कृष्ण का शाश्वत अंश है और हमें वास्तविक एवं स्थायी आनंद भगवान के धाम में ही मिल सकता है। इसलिए जब तक हम आध्यात्मिक आनंद को प्राप्त नहीं करते तब तक इस संसार के क्षणिक और परिणाम में दुखदायी आनंद की खोज में उसी प्रकार भटकते रहते हैं जिस प्रकार जंगल में किरण धूप में प्रकाश की किरणों के कारण बनी हुई मरीचिका के कारण दिखाई देने वाले जल को प्राप्त करने के लिए भागता रहता है, किंतु जंगल में उसको कहीं भी जल नहीं मिल पाता और अंत में मृग मरीचिका के पीछे भागते भागते अपने प्राण त्याग देता है, जबकि वास्तव में जल का अस्तित्व होता है किंतु मरीचिका से अलग। जिस प्रकार मरीचिका में वास्तव में जल नहीं होता अपितु उसकी प्रतीति मात्र होती है, उसी प्रकार इस संसार में वास्तव में सुख नहीं है अपितु सुख की प्रतीति मात्र है। जिस प्रकार मरीचिका का जल वास्तविक जल का प्रतिबिंब मात्र होता है, उसी प्रकार इस संसार का आनंद भगवान श्री कृष्ण के नित्य धाम गोलोक वृंदावन के वास्तविक आनंद का प्रतिबिंब मात्र होता है। कार्यक्रम के बाद सभी के लिए भोजन प्रसाद की व्यवस्था रही। उक्त जानकारी मीडिया प्रभारी राधाकांत गिरधारी दास ने। और ये रहता है कि कैसे कमाएं क्या करें।